नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उड़ता पंजाब पर विवाद को लेकर फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ खोला मोर्चा। अनुराग कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निहलानी को हटाने की मांग की। पहलाज ने आरोपों को खारिज कर इसे पब्लिसिटी स्टंट बताया। फर्जी टोपर घोटाला मामले में बीएसईबी के चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। मामले में जीए इंटर कॉलेज के अध्यक्ष सहित 5 लोग गिरफ्तार। मास्टरमाइंड बच्चा राय अभी भी फरार। केरल में सोनिया गांधी चांडी सहित 4 के खिलाफ एफआईआर। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बकाया ना चुकाने पर दर्ज किया मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता ओबामा का दिल। एनएसजी में समर्थन हासिल करने के बाद अब अमेरिकी संसद में करेंगे मन की बात। चारों को डलेगी फाइल। गायब होने पर बीजेपी का राज्य सरकार पर हमला। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, लालू यादव को बचाने के लिए किया गया ऐसा। जेडीयू ने कहा, जांच होने दीजिए। और अब खबरें विस्तार से। विवादों में फंसी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर अनुराग कश्यप और दूसरे फिल्म निर्माताओं ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अनुराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निहलानी पर परेशान करने का आरोप लगाया, साथ ही उनके इस्तीफे की मांग भी की है। इससे पहले अनुराग मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे, जहां कल इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं आरोपों को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि फिल्म पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है, यह सब कुछ अनुराग कश्यप का पब्लिसिटी स्टंट है। पहलाज ने बताया कि फिल्म के 73% हिस्से को मंजूरी दे दी गई है और ये सब कट पैनल सदस्यों की सलाह पर निर्भर करता है। आपको बता दें कि बोर्ड ने फिल्म उड़ता पंजाब के नाम से पंजाब शब्द को हटाने को कहा था। कमेटी को फिल्म के एक गाने पर भी एतराज है। कमेटी का मानना है कि फिल्म में पंजाब का या फिर पंजाब के चुनाव का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। और अब अगली खबर बिहार से, जहां टॉपर घोटाले में रोज नए मोड़ आ रहे हैं और आज बिहार स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कल एसआईटी ने लालकेश्वर से पूछताछ की थी। एसआईटी ने लालकेश्वर के दफ्तर से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे। माना जा रहा है कि लालकेश्वर की गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले आज सुबह एसआईटी ने जीए इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल शैल कुमारी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 क्लर्क और 1 चपरासी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वही घोटाले का मास्टरमाइंड बच्चा राय अभी भी फरार चल रहा है। इस मामले में अब सौरभ श्रेष्ठ, राहुल कुमार और आर्ट्स टॉपर रूबी राय से भी पूछताछ होगी। वही इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां संभव बताई जा रही हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। लगातार आरोपों का सामना कर रही कांग्रेस के ऊपर एक और आरोप लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी समेत कांग्रेस के 4 नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल केरल की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोनिया गांधी पर 2,80,00,000 रुपए की राशि का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। दर्ज एफआईआर में सोनिया गांधी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने केरल विधानसभा चुनाव से पहले इस संबंध में कानूनी नोटिस भी भेजा था। जवाब में सोनिया गांधी ने केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन बिल्डर का दावा है कि उसे अभी तक कोई रकम नहीं मिली है। तो वहीं इस मामले में सफाई देते हुए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर ने सिविल सूट दायर किया है, हम बातचीत के जरिए मामला जल्द सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी संसद